मम्मी पापा सुपरमार्केट जा रहे हैं घर का सामान लाने के लिए और वो भी मुझे बिना बताए। अच्छा कोई बात नहीं। गाड़ी में बैठ जाती हूँ क्योंकि सुपरमार्केट जाना मैं मिस नहीं कर सकती। आती मैं गाड़ी में। मम्मी पापा ने क्या सोचा था कि वो दोनों ही चले जाएंगे सुपरमार्केट और शॉपिंग करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अभी मैं भी जा रही हूँ मम्मी पापा के साथ। रिएक्शन देखना उनके आने के बाद में। सुपरमार्केट जा रहे हैं, तेरा क्या काम है उधर? हाँ तो क्या सोचा था आप दोनों ही जाओगे, मैं भी आ रही हूँ अभी। चलो फिर। क्यों आई तू? अरे हम लोग सुपरमार्केट जा रहे हैं घर का सामान लाने के लिए। हाँ तो वही ना पापा, आप लोग सुपरमार्केट जा रहे हो और वो भी मेरे बिना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो मैं सुपरमार्केट है ना स्पेशली चॉकलेट्स लेने के लिए ही जा रही हूँ, क्योंकि क्या है ना मैक्सिमम मेरा टाइम है ना स्टडी में ही निकल जाते हैं, तो क्या है बैठे बैठे टाइम पास चाहिए ना चॉकलेट्स खाने के लिए, इसीलिए जा रही हूँ मैं सुपरमार्केट। और अगर मम्मी पापा चले जाते तो मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाते। लाते थे पर एक ही एक ही। चलो। ये तो अपना शॉपिंग कर लेंगे। चलो मैं अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ और आपको तो पता ही है कि मैं क्या क्या लूंगी। Hi. How are you? I'm fine. How are you? I'm good as usual. एक ही बस हो गया पापा? दो ले लो। So, देखो यहाँ पे पापा ने और मैंने ले लिए ये फ्रोजन वाले फ्रेंच फ्राइज। ये बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रोजन वाले। सारे मसाले में से ना कोई भी एक मसाला चूज कर ले वो डिश बनाएंगे अपन। वाह सच में? क्या मस्त आइडिया ढूंढा है पापा आपने। आपकी काम की चीज ये लो। नहीं अभी नहीं, फिर वहां चलेंगे। चलो अचार भी ले लेते हैं। पापा क्या ये गंदे? मम्मी ने देख लिया तो। अभी हमने इतनी सी शॉपिंग की है और पापा उसी में हो गया कर रहे हैं। कब से नहीं हुआ अभी। रुको ये क्या है? तंदूर में ऐसा तेल लगाने के लिए काम आता है। ये भी तो सबसे जरूरी चीज है, इसके लिए शर्माना नहीं चाहिए। हुआ नहीं क्या मम्मी? फिनर लिनर लो ना। जूस से अच्छा दिख रहा हो, फिर ने लिखा था कप पीने को काम आएगा। जूस से अच्छा नहीं तो क्या है वो? जूस भी इतना फ्रेश नहीं रहता। हाय ये है मेरी सबसे फेवरेट चीज चॉकलेट। कौन से वाली? बस ये लेने के लिए आई थी। हाँ हाँ किटकैट किस किस का फेवरेट है बता दो। मेरा तो बहुत है। दो बस हो गई यार, और एक लूं? और एक ले लेती हूँ। ठीक है ये क्या है? चल ये भी तेरे लिए। और एक डार्क चॉकलेट। हमारी हेयर की केयर करना भी तो जरूरी है, इसीलिए ये रहे शैम्पू एंड कंडीशनर। क्या मम्मी क्या क्या लिया? वाह चॉकलेट दो फिर। ये लो पापा। बस हो गया ना, वो ट्रॉली भर गई अभी। कल के लिए रखो अभी। चलो कल के लिए क्यों कुछ रखना है, आज ही ले लेते हैं। साल भर का एक ही साथ ले ले रहे हो तो। अब हम जा रहे हैं बिल करने के लिए। ये हो गई शॉपिंग हो गई। शॉपिंग मतलब मेरी शॉपिंग इतनी थी, आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह। बाकी मम्मी को जो ग्रोसरी की शॉपिंग करनी थी, सब लेना था घर की चीजें, वो ले ली है हमने। हाय दीदी। हाय थैंक
तेरे माँ ने नजर लगाई थी ये मेरे कुकिंग वाले ब्रश को। क्यों मम्मी, बार बार पूछ रही थी, बता देते किस लिए लिया, मेरे को पता है किस लिए लिया है वो। अरे वो हेयर कलर करने के लिए लिए वाला है। पिंक का ब्रश। तो यहाँ पे ये डार्क चॉकलेट की अनबॉक्सिंग हो रही है। खा रही क्या तू? हाँ दो। मैं को नहीं खाना। क्यों? मिट्टी के जैसे लग रहा है पूरा, बहुत गंदा है ना। इसमें शक्कर डालना ही भूल गए वो। मिट्टी के जैसे लग रहा है पूरा। रुक तेरे मम्मी को आन दे, फिर तेरे मम्मी को ना एक बड़ा सा बाइट खिलाएंगे इसका। ठीक है, अभी मम्मी गई है पुराने वाले घर पे, दो ऐसे खिला देंगे उसको पूरा। मम्मी आ गई है, अभी देखो अभी बड़े मजे आने वाले। बहुत जबरदस्त चॉकलेट है, खा तो आ दो सही। तो मम्मी बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी चॉकलेट है। अगर मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा तो का अगर इतना प्यार। हां रुक एक एक छोटा। नहीं नहीं नहीं, पूरा कप कप चबा के खा लेने का। ले हाँ, खा चबाओ, 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 एकदम तेजी से चबाओ। मस्त है ना? क्या हो गया? किसने लिया है? पापा ने। ये लो ये मीठा वाला चॉकलेट खाओ। वापस कर दो जाके। खाना उतना खा तो ले। तो लेना था, लो मैं खा रही। कार्तिक ने खा लिया। प्रेरणा को दो। प्रेरणा इधर आ, चैलेंज है, सोलर जीतेंगी क्या तू? देख घर पे देखो कितनी सारी चीजें। दो मैं क्या लूं? अरे बाप रे, ये इतने सारे सामान से क्या जनरल स्टोर खोलने का है क्या अपने घर पे? इतना सारा सामान लाए क्या होलसेल की दुकान ही बना डालने की अपने घर को? तो पिछले दो वीक से कृष्णा है ना यहाँ पे नहीं है, वो है उसके दादा दादी के घर पे, क्योंकि अभी उसके भी स्कूल स्टार्ट हो गई है ना, तो यहाँ से उसको स्कूल जाने के लिए बहुत दूर पड़ता है, तो दादाजी उसको उधर लेके गए हैं, और वहाँ पे उसके जिमनास्टिक क्लासेस भी है ना, तो वहाँ से वो जिमनास्टिक भी जा सकता है। तो फ्राइडे के दिन है ना पापा गए थे कृष्णा से मिलने के लिए, अभी आप खुद ही देखो कि आगे क्या हुआ। आ गया? हाँ। तेरे लिए क्या लाया? मेरे से गले तो मिलके जा। हाँ? मैं उधर ही आ रहा। किधर आ रहा? नहीं इधर पढ़ाई करने की है। नहीं पापा। नहीं पापा नहीं है। अच्छा ये भी लेके जा। आएगा आएगा, इधर पढ़ाई करने की। संडे यहाँ पे रह सके, लेकिन है ना दादाजी ने मना कर दिया, क्योंकि दादाजी ने कहा कि सैटरडे को उसके स्कूल मिस नहीं होनी चाहिए एक भी दिन। तो दादाजी जो कहते हैं ना वो फाइनल वर्ड्स होते हैं, उसके आगे फिर कोई नहीं जा सकता। और कृष्णा को पता नहीं है कि आज हम उसको है ना वहाँ पे लेने के लिए जा रहे हैं। और आपको पता है कृष्णा दादा दादी के घर को क्या बोलता है? दादा दादी का हॉस्टल। कृष्णा है ना सुबह से हमारा वेट कर रहा होगा कि कब हम आएंगे और कब उसको लेके जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पुराने वाले घर पे, अभी आप कृष्णा की रिएक्शन देखना, वो हमें देख के कितना खुश होगा। Thank you.
सौ ये पचास ये बीस ये दस पाँच वाह वाह क्या बात है बच्चे ये क्या है ये तूने बनाया ये क्या है तिरंगा है रेडी हाँ वाह बच्चे काम करना तू रह जा इधर ही नहीं कल हॉस्टल को छुट्टी रहेगी ये हॉस्टल है तेरा हाँ चल बच्चे चलने का है घर पे चल हाथ तो दे मेरा भी ऐसा कैसा है चल चलो 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 आखिरकार मैंने हॉस्टल से एस्केप कर ही लिया बच्चे घर जाने के बाद में तू चिकू को क्या बोलेगा आई लव यू चिकी ओह आई लव यू चिकी बहुत तो प्यारा है ना तू चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाय मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में लव यू ऑल